नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना YouTube चैनल गिरने वाले भूपन पर। जैसे आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पर कि आज मैं पूरे गार्डन का सारा ओवरव्यू दूंगा आपको कि मेरे गार्डन में क्या चल रहा है, मैंने क्या किया इस महीने। हर महीने का गार्डन ओवरव्यू दिया करूंगा मैं। अब ये देखिए कि मैंने अपने सारे पेड़ों की जो गोड़ दिया है, मैंने गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद में देखो जी 24 घंटे की धूप खिला दी है। अब इसमें मैं फर्टिलाइजर डालूंगा। देखो सारे गमलों की मैंने ऐसी कर दी है। थोड़ा सा मैं पेड़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जो मेरा चांदनी का पेड़ है, ये फिशटेल पाम है। अब ऐसे देखो मैंने यहाँ रख दिया है, जे सारे गमले मेरे ऐसे ही मिलेंगे। इसमें मैं आज फर्टिलाइजर दूंगा और ऐसे जादू फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा कि आप वीडियो बने रहें। आप भी कहोगे हाँ, एक बार ये फर्टिलाइजर आप डाल दोगे तो सारे साल हरे भरे रहेंगे, फूल भी आएंगे, पत्ते भी होंगे और हरापन भी रहेगा। ऐसे देख सकते हैं इधर मेरी ऑक्साइड में एक मेरा जो पीपल का बॉन्साई रखा हुआ है, अभी क्या इसके पत्ते झड़ गए। ये पोनीटेल पाम रखा हुआ है, इसका भी आप चाहो मेरे को कमेंट करना, मैं इसका भी सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा। बढ़िया पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऐसे एक चीकू का पौधा रखा है, देखो उसमें चीकू भी लग रहा है, इसका भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जेना बेबी प्लांट था, अडेनियम रखा हुआ है। फिर भी अमरूद रखा है, देखो सर अमरूद लग भी रहा है, ये हाइब्रिड वैरायटी का अमरूद है। लेकिन अभी तो मेरा उद्देश्य ये है मेरे गार्डन में क्या चल रहा है, सिर्फ ये बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कमेंट करना मेरे को, फिर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये मेरा जो ग्राफ्टेड आम रखा है, ये आम्रपाली वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी मानी गई है। ये भी ग्राफ्टेड है, देखो यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया गया है। देखो यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया गया है, जोर दिख रहा होगा आपको। ये मेरा बड़ा वाला अडेनियम है, इसकी मैंने कटिंग कर दी है। नए आने अभी इसका वीडियो आने वाला है, कटिंग कैसे ग्रो करती है। अभी तो सिर्फ देखो कली आ रही है, अभी तो सिर्फ ये मिर्ची लगा दी है मैंने। मिर्ची भी बढ़िया ग्रो कर रही है, मिर्ची रखी हुई है। इधर मैंने जो कलम लगा दी है मनी प्लांट की, जो मैंने बेबी मनी प्लांट था इसमें से मैंने कलम कर दी है। अब जो अंजीर की कलम लगाए, अंजीर के पौधे लगाए हैं, जो बीच से करे हुए अंजीर थे, अंजीर की मैंने वो लगा दी है। अब ये ग्रो करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा। सिर्फ ये ना ये टमाटर लगा दिए मैंने, टमाटर के पौधे भी मैंने अलग अलग उसमें ग्रो कर दिए हैं। एक मेरा ये रखा हुआ है मनी प्लांट, ये बेबी प्लांट मैंने लगा दिए, ऑनलाइन परचेस किए थे अडेनियम के, ये भी लगा दिए। एक मेरा जो बड़ा वाला लेडी पाम का पेड़ रखा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा इसमें जो इन चीज़ों मैंने इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी तो मैं वॉक पे हूँ, अभी छत पे मेरे बहुत सारा प्लांट है, मैं आपको उसको ही आपको बताऊँगा। अब सबसे पहली चीज़ बताऊंगा इसमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगा, जो जादुई फर्टिलाइज़र है वो मैं बताऊंगा। देखो ये सरसों खली है, ये सरसों खली है, इसमें एनपीके रखा हुआ है, जी डीएपी है और इसमें यूरिया रखा हुआ है। इसमें बताऊंगा इसमें किस मात्रा में कितना अपन को लेना है, क्योंकि मेरे पास तो क्वांटिटी ज़्यादा है गमलों की। आप अपने गमलों के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिक्स कर सकती हैं। जो मैंने 1 किलो सरसों खली ले ली है, सरसों खली मैंने जो ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली है, आप भी ग्राइंड कर लो, क्योंकि इसके बड़े बड़े पीस आते हैं। उसके लेने के बाद में थोड़ा सा एनपीके मिलाना है इसमें, ज़्यादा नहीं मिलाना है, सिर्फ 20-25 ग्राम एनपीके मिला दिया है। उसके बाद ऐसे ही थोड़ा सा यूरिया लेना है, वो क्या नाम है डीएपी लेना है, थोड़े से दाने डीएपी की मिला देंगे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े से मतलब 50 ग्राम के करीब। ऐसे ही यूरिया भी ले लेंगे, यूरिया भी अपन को ज़्यादा नहीं मिलाना है, यूरिया तो और ज़्यादा कम मात्रा में मिलाना है बिल्कुल। अब तीनों चीज़ों को जो मिक्स कर लेंगे,
अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद में आगे वीडियो बने रहे किस प्रकार से अपन को पेड़ों में देना है, मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में आप बने रहे किस प्रकार से देना है, इसका देने का तरीका सही है। अगर तरीका इसका खाद देने का तरीका अगर सही होगा कि पानी डालना है या नहीं डालना, कितनी मात्रा में पानी डालना है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी वीडियो में आप बने रहे। जैसे अभी मिक्स कर लिया है, अब आ जाओ। अब अपने गमले के हिसाब से ले लो। जब आपका गमले का साइज बड़ा है तो ज़्यादा ले सकते हैं, और कम है तो कम ले सकते हैं। अब ऐसे मेरा अमरूद का प्लांट है तो मैं ज़रा सा लूँगा और उसकी जड़ों के आसपास हल्का हल्का डाल दूँगा और हाथों से मिक्स कर दूँगा। इस प्रकार से ऐसे अपन इतना सा ले लें अपने गमले के हिसाब से। अब जो मैंगो मेरा प्लांट लगा हुआ है, अब मैंगो प्लांट मैं थोड़ा सा लूँगा इसकी जड़ों के आसपास, इसको डाल दूँगा। अपने हिसाब से लेना चाहिए, जैसे आपका बड़ा गमला है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मेरा जो छोटे से उसमें पोलोथीन में लगा हुआ है तो मैंने उसमें कम ले लिया है। अब ऐसे ही मेरा ये अडेनियम में भी ऐसे में डाल दूँगा। इस प्रकार से आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। आगे पानी किस प्रकार से देना है मैं आगे वीडियो बने रहे, मैं आगे बताऊंगा आप किस प्रकार से। मिर्ची की अपने पास ऐसे पेड़ लगे हुए हैं तो इस प्रकार से ऐसे इसको भुरभुरा करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा और ले लें, मेरे पास बड़े टब में लगा हुआ है। ये तो इसके तरीका होता है, तो इस सही तरीके से अगर अपन फर्टिलाइजर देंगे और तो पत्तों से इसको जड़ा दो, इस प्रकार से पत्तों से चढ़ा दूँ। ठीक है, अभी मैंने नीचे गोप का बताया था आपको, अब मैं टेरेस पे आ गया हूँ ऊपर छत पे, दूसरी अभी सेकंड वाली पे आया हूँ। एक छत और है मेरी, जो मेरा देखो ये गुलाब लगा रखा है, ये बटन रोज है। ठीक है, ये मिर्ची लगा रखी है मैंने 3 बॉक्स में। अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। ये मेरा जो गुलाब है, इस गुलाब की वीडियो भी आपने देखी है, इसकी भी इसमें भी खाद डालूंगा अभी मैं। ये मेरा बनियान ट्री है जी, बरगद का बॉन्साई बनाया है। देखो इसका लुक आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल ओल्ड ट्री ऐसा लग रहा है। ये बरगद का मैंने बॉन्साई बनाया है। अभी इसकी कटिंग और होगी आने वाले समय में, इसका वीडियो और आएगा। ये कैलेंचो लगे हुए हैं, देखो